राधे सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार नमस्ते मनीष। सर। नमस्कार बिमला, क्या हाल है? अरे, सुनाओ। नमस्कार आवाज सर। भी कल बंद है, आवाज खोल लो। अच्छा, शायद मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कान में ही लगा हुआ था। अब अच्छा। हाँ, और कैसे हैं भैया आप? बस ठीक है। तुम ठीक हो? बिल्कुल, हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है। सो नाइस टू सी यू, थैंक देख के अच्छा लगा। यू। सिद्धि सिद्धि बैठी है आज। किरण जी भी आप हैं? हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सिद्धि। सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ आज जैसे जल्दी करना पड़ गया, नहीं तो हम शाम का इरादा था हमारा करने का, लेकिन ये थोड़ा किसी काम से सोचा कि थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इस वजह से कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जितने भी जुड़े हैं उनके साथ फिर भी साझा कर लेते हैं एक बार। के भाव सिद्धि काल के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को आज। मतलब भाव सिद्धि काल क्या होता है कि कुंडली में हम डिफरेंट भावों के फल देखते हैं, और डिफरेंट भावों के फल देखते हैं जब दशा आती है। और दशा आती है तो दशा आने के बाद हम कहते हैं जी, इस दशा के अंदर ये वाला भाव एक्टिव हो गया है, तो अब इस भाव के फल हमको मिल जाएंगे। अब दशा में आने पर अब भाव के फल तो मिल जाएंगे, लेकिन वो फल मिलेंगे कब? क्योंकि
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्लाइंट का वो यही होता है कि सब आप ये तो कह रहे हो कि मेरी शादी का योग चल रहा है, लेकिन शादी होगी कब, वो कैसे आइडिया लगाया जाए, वो कैसे मालूम किया जाए। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये रहती है कुंडली के अंदर। तो उसके लिए भाव सिद्धि काल के नाम से शास्त्रों में वर्णित किया हुआ है कि कैसे हम ये देखें कि किस तरह से कब भाव का फलित होगा। अगर लेकिन उसके लिए दशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना दशा के भाव का फल मिलेगा, दशा होनी चाहिए। और भाव का फल मिलने वाला हो वो फल कब मिलेगा ये डिसाइड करता है भाव सिद्धि काल। इसके अलावा एक चीज और हमने इसमें शामिल की है, भाव हानि। भाव हानि का मतलब ये है कि किस भाव की हानि कब होगी। सपोज कोई सोचता है कि भाई मेरी ही तबीयत खराब कब होगी या मेरे फादर की तबीयत खराब कब होगी, ऐसे कोई पहले ही चेक करना चाहता है तो वो चेक कर सकता है उससे भाव हानि के प्रिंसिपल से कि किसकी तबीयत खराब है, कैसे खराब है, तो क्यों खराब हुई या नहीं खराब हुई, या कहीं भी किसी आपके रिलेशन में किसी की तबीयत खराब हुई हो तो उसका भी भाव आप चेक कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं देख के भाव हानि हुई है या नहीं हुई है। तो वो भाव हानि भी हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। भाव सिद्धि और भाव हानि दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली बात है। हालांकि जो मेरे बैच में स्टूडेंट्स रहे हैं उनको मैंने बताया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आज यहाँ रिवाइज कर देता हूँ एक बार। शायद हमारे साथ मनीष नहीं जुड़े हैं। मनीष जी सर, जी सर। अच्छा मनीष, कहाँ रहते हो आप जी? राधे राधे सर, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा अच्छा, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे सर आपके यूट्यूब चैनल पे। अच्छा अच्छा, ठीक है राधे राधे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। चलिए अब ज्यादा मैं शुरू करता हूँ, एक मिनट जरा। तो चलिए, आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है, वो ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए मैं आपको भाव निर्णय के बारे में पढ़ाता हूँ। जो भाव निर्णय मैं अक्सर अपने बैच के अंदर पढ़ाते हैं, जो हम स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अपने बैच के अंदर, उसमें उनको पढ़ाया जाता है ये भाव निर्णय, जो काफी अच्छी विधा है रिजल्ट्स अपने रिजल्ट देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसको प्रेजेंटेशन को आपके सामने लगा लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो प्रेजेंटेशन को भी आप देखते रहिएगा और वो चीज आप बाद में रिकॉर्डिंग आपको मैं पहुंचा दूंगा, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी हमारी, जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके पास रिकॉर्डिंग जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग रख के और बाद में उन चीजों को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी दुर्लभ है वो सारी चीजें मिलनी। सारे भाव सिद्धि काल के नियम कहीं एक बुक के अंदर मिलते नहीं है, वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे मिलते हैं, जिनमें से सबसे जैसे एक लगे उसको पूरा कंपाइल किया गया है। तो मैं आपको अब बताता हूँ, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है भाव सिद्धि काल एवं भाव हानि, कि भाव का फल कब मिलेगा और भाव की हानि कब होगी, बशर्ते दशा होनी चाहिए। तो सबसे पहले भाव सिद्धि काल में एक चीज ये है, हम ये मान लेते हैं कि दशा चल रही है, तो भाव का फल कब मिलेगा, भाव का फल जब मिलेगा जब लग्नेश जन्म पत्रिका में जिस राशि और अंश में हो। लग्नेश मतलब आप ये ध्यान रखिए कि दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका लग्नेश और एक आपका भावेश, यानी भावेश वो जिसके फल आपको लेने हैं, जिस भाव के फल आपको लेने हैं। अगर सप्तम भाव के फल आपको लेने हैं तो सप्तम भाव का स्वामी भावेश हो गया, लग्नेश तो आप जानते ही हैं लग्न का स्वामी लग्नेश हो गया। तो लग्नेश जन्म पत्रिका में जिस राशि और अंश में हो उसको चेक कर लीजिए कि लग्नेश जन्म पत्रिका में किस राशि में है, उस राशि के त्रिकोण में या समसप्तक में भावेश आएगा गोचर में तो कार्य की सिद्धि होती है। अच्छा, अब उस राशि के त्रिकोण में, जैसे मान लिया लग्नेश जन्म पत्रिका में दो नंबर राशि में है,
तो दो नंबर राशि का त्रिकोण क्या होता है, आप सभी प्रकार से जानते हैं कि चार त्रिकोण होते हैं हमारे, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 व 4, 8, 12। ये चार त्रिकोण हमारे कुंडली में होते हैं। तो वही चीज देखने की है कि लग्नेश अगर जन्म पत्रिका में मेष राशि में है मान लिया और 10 डिग्री का है, तो जब भावेश जिस भाव के फल आपको चाहिए, जिस भाव के फलों का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस भाव के फलों को दशा दिखा रही है कि इस भाव के फल मिलने चाहिए, जब वो भावेश उतने डिग्री के आसपास उस राशि के मेष राशि में आएगा या मेष राशि के त्रिकोण में आएगा, मेष राशि का त्रिकोण मतलब मेष सिंह धनु, इन तीनों राशियों में आए या मेष के बिल्कुल सामने आए समसप्तक, तो कार्य की सिद्धि माननी चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, पहली बार में तो हमने लग्नेश जन्म पत्रिका में जहां है उसको फिक्स कर लिया था और गोचर का हम लोगों ने भावेश लिया था। अब हम करेंगे भावेश जन्म पत्रिका में जिस राशि और अंश पर है, भावेश जैसे सातवें भाव के रिजल्ट हमें देखने हैं या पांचवें भाव के रिजल्ट हमें देखने हैं, तो भावेश लग्न पत्रिका में जिस राशि और अंश पर है उसको नोट कर लीजिए। उस राशि पर या उसके त्रिकोण में या उसके सामने लग्नेश घूमता हुआ आए गोचर में, D1 कुंडली के अंदर भावेश जिस पत्रिका, जिस लग्न पत्रिका में D1 कुंडली के अंदर भावेश जिस राशि पे है उस राशि को नोट कर लीजिए। फिर गोचर कुंडली देखिए, गोचर कुंडली में जब D1 कुंडली का लग्नेश घूमते हुए उस राशि पे आए जिस राशि पे भावेश है या उस राशि के त्रिकोण में आए जिस राशि पे D1 कुंडली में भावेश बैठा हुआ है, तो समझिए आपका कार्य सिद्ध होगा। एक ये नियम है। तीसरा नियम है कि लग्नेश और भावेश गोचर में जब एक साथ हो तो कार्य की सिद्धि होती है, यानी गोचर में आपका जन्म कुंडली का लग्नेश और जन्म कुंडली का भावेश, आपको सपोज कीजिए पांचवें भाव के फलों का इंतजार है, आपको हायर एजुकेशन के फलों का इंतजार है, आपको शादी का इंतजार है, आपको संतान के फलों का इंतजार है, तो संतान के लिए आपको पांचवा भाव देखना है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपको संतान कब होगी या क्या समय रहेगा आपके आसपास, संतान का कंसीव करने का समय क्या रहेगा, तो उसके लिए यह देखना पड़ेगा आपको कि आपका लग्नेश और भावेश, लग्नेश तो कुंडली में जो भी हो D1 चार्ट के अंदर आपका, प्लस भावेश यानी संतान भाव का स्वामी, जब दोनों गोचर में एक साथ आ जाएंगे, जब वो दोनों गोचर में एक साथ होंगे तो कार्य की सिद्धि होती है। इसके लिए मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि दशा आपकी होनी चाहिए, दशा आपकी प्रॉमिस करनी चाहिए, दशा ने आपके भाव को एक्टिव किया हुआ हो, दशा ये बताती हो कि इस भाव के फल मिलने वाले हैं, फिर हमको ये नियम लगाने हैं, तो ये बताएंगे कि इस भाव के फल हमें कब मिलेंगे। इसी प्रकार लग्नेश और भावेश जब गोचर में एक दूसरे के सामने आ जाए, पहले तो ये था कि एक साथ हो तो कार्य की सिद्धि होती है, अब यह है कि लग्नेश और भावेश गोचर में जब एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने हो, तो भी कार्य की सिद्धि बताते हैं। ये सब आपके पास पहुंच जाएगा रिकॉर्डिंग आपके पास, तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद रिकॉर्डिंग देख के, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि लग्नेश और भावेश गोचर में, देखिए शुरू के जो दो नियम थे उनमें ये था कि लग्नेश जन्म पत्रिका का हमने फिक्स कर दिया था, भावेश जन्म पत्रिका का हमने फिक्स कर दिया था, लेकिन बाद के जो दो नियम है इन दोनों में दोनों गोचर के अंदर देख रहे हैं, लग्नेश को भी गोचर में देख रहे हैं, भावेश को भी गोचर में देख रहे हैं, तो लग्नेश और भावेश गोचर में जब एक साथ हो तो कार्य की सिद्धि होती है, और लग्नेश और भावेश गोचर वश जब आमने सामने हो तो भी कार्य की सिद्धि बताते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वो कहता है कि लग्नेश उस राशि पर गोचर में दृष्टि डाले जहां जन्म कुंडली में भावेश स्थित है। D1 चार्ट में जहां आपका सातवें भाव का स्वामी या पांचवें भाव का स्वामी, संतान के लिए आप देख रहे हैं तो पांचवें भाव का स्वामी D1 कुंडली में जहां स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि पे लग्नेश गोचर में दृष्टि डाले तो भी कार्य की सिद्धि होती है। बहुत सिंपल नियम है, अभी हम कुंडली लगा के दिखाएंगे आपको इन नियमों के ऊपर, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा इस चीज से कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है और ये नियम बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और शायद किसी भी कुंडली में, कहीं भी कुंडली के अंदर अगर आप देखें भाव सिद्धि काल में, आप दिखाएं संतान कब होगी, विवाह कब होगा, तो उसके लिए ये नियम बहुत परफेक्ट बैठते हैं, और 80% से ज्यादा कुंडलियों के ऊपर इनको देखा गया है, और 80% से ऊपर कुंडलियों में इनका नियमों का लगना, समझिए कि आपको ये बेस्ट रिजल्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो लग्नेश उस राशि पर गोचर में दृष्टि डाले जहां जन्म कुंडली में भावेश स्थित है, जहां जन्म कुंडली में
यानी जहां D1 चार्ट में भावेश है, पांचवें भाव का स्वामी है या सातवें भाव का स्वामी है, उस राशि पर लग्नेश गोचर में दृष्टि डालेगा तो उस कार्य की सिद्धि बतानी चाहिए। किस कार्य की सिद्धि? जो भावेश हम देख रहे हैं, पांचवें भाव की सिद्धि देख रहे हैं तो संतान के बारे में बताएंगे, सातवें भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो विवाह के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक नियम है कि लग्नेश गोचरवश उस राशि में स्थित हो, लग्नेश गोचरवश उस राशि में स्थित हो जहां जन्म कुंडली में भावेश स्थित है। पहले तो था दृष्टि डाले, अब ये कहा कि D1 चार्ट में जहां पे जन्म कुंडली में भावेश स्थित है, D1 चार्ट देख लीजिए आप देख लीजिए, आपको देखना है कि विवाह कब होगा, तो D1 चार्ट आप देखिए, सातवां भाव आप देखिए, सातवें भाव के स्वामी को आप जन्म कुंडली में देखिए, और जब लग्नेश गोचर में जिस जन्म राशि पर है D1 चार्ट में, लग्नेश गोचर में उसी राशि पर आ जाएगा तो समझिए कार्य की सिद्धि होगी। तो ये कार्य सिद्धि के नियम है भाव सिद्धि काल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा नियम आता है वो नियम मैं बताता हूं आपको, उसमें लग्नेश और कारक का संबंध होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर भाव के कुछ कारक होते हैं, जैसे पहले भाव का कारक सूर्य होता है, दूसरे भाव का कारक गुरु होता है, तीसरे भाव का कारक गुरु होता है, तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, चौथे भाव का कारक चंद्र होता है, पांचवें भाव का कारक गुरु होता है। ऐसे ही आप सब भी कारकों के बारे में तो जानते ही होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट भावों के कारक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ कारक और लग्नेश का भी एक संबंध है गोचर में। अगर ये जो शुरू के नियम मैंने बताए आपको चार नियम ये ना लगते हों तो इनमें से नियम देखिए, ये नियम भी लग जाए आपका तो भी आपका काम सिद्ध होता है। सपोज कीजिए आप देखना चाहते हैं कि विवाह कब होगा, तो ये चेक कीजिए विवाह का कारक कौन होता है, शुक्र। स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु, पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो शुक्र। तो विवाह का कारक जब गोचर वर्ष उस स्थान में आए जहां जन्म कुंडली में पत्रिका का लग्नेश स्थित है, जहां जन्म कुंडली में लग्न पत्रिका का लग्नेश स्थित है, जन्म कुंडली में ये देखिए D1 चार्ट के अंदर देखिए कि आपका लग्नेश कौन सी राशि में स्थित है। जब कारक गोचर में घूमता हुआ, यानी विवाह के लिए देख रहे हैं तो कारक शुक्र हो गया, संतान के लिए देख रहे हैं तो कारक गुरु हो गया, तो इसलिए वो घूमता हुआ जब उस राशि पे आएगा तो कार्य की सिद्धि होती है। कारक जब गोचरवश उस स्थान पर आए जहां जन्म कुंडली में पत्रिका का लग्नेश या चंद्र लग्न का स्वामी है तो कार्य की सिद्धि बतानी चाहिए। लग्नेश से कारक गोचर में जब त्रिकोण में आए तो भी कार्य की सिद्धि बतानी चाहिए। यानी लग्नेश और कारक विवाह के बारे में देख रहे हैं तो कारक वही शुक्र हो गया, तो लग्नेश और शुक्र गोचर में जब त्रिकोण में आएंगे तो हम कहेंगे भाई हाँ अब विवाह इनका होना चाहिए। कारक से लग्नेश गोचर में त्रिकोण में हो, अब यहां दोनों मतलब एक अपोजिट है, एक लग्नेश से कारक गोचर में त्रिकोण में हो, एक कारक से लग्नेश गोचर त्रिकोण में हो, तो कारक को देख लीजिए कि D1 कुंडली में वो कहां बैठा हुआ है, उससे लग्नेश त्रिकोण में हो तो भी कार्य की सिद्धि कहलाती है। कारक और लग्नेश एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं गोचर में, जो कारक है भाव का कारक है और लग्नेश है वो दोनों कुंडली में एक दूसरे के सामने आ जाएं तो भी कार्य की सिद्धि होती है। इससे पहला नियम ये था कि भावेश और लग्नेश एक दूसरे के सामने आ जाएं तो कार्य की सिद्धि होती है, ऐसी कारक और लग्नेश भी एक दूसरे के सामने आ जाएं तो कार्य की सिद्धि होती है। तो ये एक नियम है इसके, और इसका जो लास्ट नियम है वो गुरु से संबंधित है। गुरु काफी पत्रिका में रोल प्ले करता है। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपको मिल जाएगा सब चीजें। अगर यहाँ पर इसके बाद में जैसे ही हमारा भावेश और गुरु खत्म होता है तो फिर किसी का कोई डाउट है तो हम पूछ लेते हैं, डाउट पूछ लेते हैं और उस पर डिस्कस कर लेंगे, और साथ में कुंडली हम देखेंगे, कुंडली भी हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए ली हुई है तो कुंडली भी हम लोग देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा, या कुंडली के अंदर ही आपका डाउट निकल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भावेश और गुरु, इसका बड़ा संबंध है। तो देखिए भावेश पत्रिका में जिस राशि में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, भावेश को चेक कीजिए, आपको देखना है कि संतान कब पैदा होगी, तो संतान भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है D1 में वो चेक कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और उस राशि के त्रिकोण में या समसप्तक में यानी सामने जब गुरु आ जाए तो आपको शुभ फल मिलते हैं, तो संतान की प्राप्ति होगी। आपने देखा कि संतान भाव एक्टिव है दशा में आपका, और आप ये पूछ रहे हैं कि दशा चल रही है संतान कब पैदा होगी, संतान कब कंसीव होगी, तो आप ये चेक कीजिए कि संतान भाव का स्वामी D1 चार्ट में किस राशि में है
जब उसके त्रिकोण में या सम सप्तक में गुरु आ जाएगा तो आपको शुभ फल मिलेंगे। गुरु और भावेश एक दूसरे के साथ ही आमने सामने आ जाएं, गुरु और भावेश, गुरु जो कारक हो गया और भावेश आपका, तो भी कार्य की सिद्धि होती है। एक इसमें यह इंपॉर्टेंट नियम है कि गुरु उस स्थान पर गोचरवश आए जहां भावेश लग्न पत्रिका में स्थित है तो भी कार्य की सिद्धि होती है। अब कोई भी भावेश आप ले लीजिए गोचर में, भावेश को देखिए लग्न पत्रिका में कहां पर है। आप सपोज देखना चाहते हैं कि मेरी जो नौकरी कब लगेगी, तो कर्म भाव से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया, तो कर्म भाव का भावेश हुआ कर्मेश, यानी कर्म भाव के स्वामी को आप चेक कीजिए कि लग्न पत्रिका में वो कहां स्थित है। आपने कर्म भाव के स्वामी को लग्न पत्रिका में देख लिया कि वो फलानी राशि के अंदर स्थित है, तो गुरु जब गोचर में उस राशि पर आएगा तो भी कार्य की सिद्धि होगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपकी नौकरी लगने के चांस हैं इस दौरान जब गुरु गोचर में इस राशि पर आएगा। तो ये कुछ नियम थे जो हमारे भाव सिद्धि के नियम हैं, जो हमारे भाव के फल मिलते हैं उसके बारे में ये बताते हैं। इससे पहले कि हम भाव हानि पर चलें, इसमें कोई नियम किसी के समझ नहीं आया हो या कोई देखना हो तो जरा कोई बता सकता है अपनी बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसपे। हाँ, अभी जैसे इसमें लग्नेश या भावेश या कारक, हाँ, यदि चंद्र होता है, हाँ, तो वो तो सवा दो दिन में चेंज करेगा अपनी राशि, हाँ, तो वो तो बहुत फास्ट मूव होगा। हाँ, तो इसलिए हाँ समझ गया मैं आपकी बात। आप यही कहना चाह रहे हैं कि लग्नेश और भावेश का अगर हम लगाएंगे, लग्नेश फिक्स कर लेंगे और भावेश को हम घुमाएंगे, तो हो सकता है कि उनमें से आप एक आपका स्लो मूविंग हो। अब मान लिया दोनों ऐसे हो गए, चंद्र हो गया और शुक्र हो गया, चंद्र आपका लग्नेश हो गया और शुक्र आपका भावेश हो गया, तो आप दोनों बड़े फास्ट मूविंग हैं, तो उस केस में फिर गुरु से गोचर लगा के देखिए आप, जो गुरु वाला गोचर बताया, उस केस में जहां फास्ट मूविंग आइटम, फास्ट मूविंग रहे प्लैनेट चलते हैं, वहां पे आप गुरु वाला गोचर लगाइए भावेश और गुरु का, जिस भाव का रिजल्ट आप देख रहे हैं उसके त्रिकोण में या समसप्तक में गुरु आए तो शुभ फल मिलते हैं। और किसी का क्वेश्चन है सर? से थोड़ा एक मतलब एग्जांपल से हाँ एग्जांपल अभी आएगा, आगे एग्जांपल आएगा। नहीं नहीं, मतलब मून वाला आप लेंगे ना तो ज्यादा वो चंद्रा से जो है ना वो ही ज्यादा थोड़ा दिक्कत वाला है। अच्छा, भाव हानि और देख लेते हैं फिर इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल इसमें लिए हुए हैं, संतान कब होगी, इस तरह के एग्जांपल इसमें लिए हैं। एक सेकंड, भाव हानि। तो ये भाव सिद्धि के नियम थे। देसाई साहब का पॉइंट में समझ गया हूं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि गुरु से देखना है। और किसी का कोई पॉइंट हो तो आप, मतलब चंद्र को कंसिडर नहीं करना है वैसा ही उस केस में। हाँ, चंद्र को कंसिडर मत कीजिए, गुरु सारा गोचर देखिए, भावेश और गुरु का गोचर देखिए। जहां पे चंद्र ये हो वहां पे भावेश और गुरु का गोचर देखिए, तो उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? सर दीपक। हाँ दीपक बोलो। सर जैसे मैं ये पूछ रहा था कि सर गुरु है जो नैसर्गिक शुभ है, हाँ, तो सर मकर लग्न में वृषभ लग्न में या कुंभ लग्न में जब गोचर बस त्रिकोण में जाएगा वहां तो नैसर्गिक सर वो मारक है मतलब, हाँ, तो सर तभी भी पॉजिटिव फल देगा या भाव बिल्कुल में कुछ कमी करेगा? बिल्कुल पॉजिटिव फल देगा। वहां पर आपको उस चीज से नहीं लेना कि गुरु आपका मारक है कुंडली के हिसाब से या क्या है, आपका गुरु का गोचर देखना है आपने, तो गुरु का गोचर आप अलग से देखिए और उस वक्त आप भूल जाइए कि गुरु गोचर में आपने देखना है। तो गोचर में गुरु अगर आपके उस भाव के भावेश के साथ आ रहा है तो समझिए कि आपका फल मिलने वाला है, आपको आपका फल शुभ फल मिलेगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें गुरु कैसा भी हो आपका कुंडली के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब इस भाव की हानि को हम लोग एक बार देख लेते, पहले भाव सिद्धि काल का हम लोग देख लेते हैं फिर मैं भाव हानि पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए ये कि कुंडली है जो मैंने आपके सामने लगाई है, इस कुंडली को अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था कि संतान कब होगी। अब इस कुंडली से देख के हमें लगाना है कि संतान कब होगी। पहले तो आप थोड़ा ये देखिए कि इस कुंडली में क्या संतान के अंदर प्रॉब्लम नजर आती है। देखिए संतान में प्रॉब्लम इसमें नजर आती है। यस सर। हाँ बताइए। वक्री है सर, इसलिए वो वक्रता हाँ, में चला गया। हाँ, सर, सर एक तो जुपिटर हाँ, कारक होके कारक के भाव में बैठ गया है। हाँ, दूसरा गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें भाव की है, द्वादश भाव का स्वामी वहां बैठा हुआ है, तो पंचम की हानि करेगा।
और दूसरी बात यह सूर्य की दृष्टि भी है, सूर्य बुध की दृष्टि भी वहां पर है। और तीसरी बात यह, जब कोई वक्री ग्रह ग्रह गुरु के लिए तो ये खास तौर से माना जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठ के शुभ परिणाम देता हो, अगर वहां वक्री हो जाए तो बहुत शुभ परिणाम देगा, और जिस भाव में बैठ के वो अशुभ परिणाम देगा वहां पे वक्री हो जाए तो बहुत अशुभ परिणाम देगा। तो गुरु यहाँ पर द्वादश का स्वामी होकर बैठा हुआ है, इसलिए ये अशुभ परिणाम देने वाला था, और साथ में वक्री भी हो गया है, तो इसलिए और ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है। और सूर्य बुध की दृष्टि भी सात पांचवें भाव पर है, तो ये है। अच्छा, शुक्र देखिए, आप शुक्र आपका पीड़ित है जी सर, शुक्र सर मंगल से द्रष्ट है, हाँ अपने छठे बैठा है, और मंगल से द्रष्ट है, राहु से द्रष्ट है, दोनों ग्रहों से द्रष्ट है, शुक्र पीड़ित है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र से हम लोग हार्मोन्स देखते हैं, वीर्य देखते हैं, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी मानी जा सकती है कि ऐसी प्रॉब्लम शायद रही होगी, उसकी वजह से ये संतान में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब उनको मेडिकल का इलाज बताया गया था, तो उन्होंने मेडिकली अपना सब कुछ करा लिया है, और वो बताते हैं कि मेडिकली नाउ दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल, कि भाई आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली आपको। तो उनसे बात हुई तो उनको बताया गया कि गुरु में चंद्रमा की दशा चल रही है, अभी गुरु में चंद्र की दशा चल रही है, तो चंद्रमा पांचवें भाव में है, तो पांचवें भाव में चंद्रमा होने से पंचम भाव तो एक्टिव हो जाता है, पांचवा भाव अक्सर एक्टिव हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस दशा में संतान पैदा हो सकती है। लेकिन अब कब होगी, अब ये वाला नियम हमें लगाना पड़ेगा भाव सिद्धि का, कि अगर हमने देखा कि चंद्रमा की दशा में संतान पैदा हो सकती है तो होगी कब सर? ये बुध की आपने दृष्टि कैसे वो बताई? सूर्य तो ठीक है, हाँ, ठीक है, सूर्य का तो ठीक है, वो पंचम पे थोड़ा फर्स्ट संतान के लिए थोड़ा सा वो होता है, हाँ, बट सूर्य वो तो देगा, संतान तो देगा पक्का। नहीं, सूर्य संतान देता है, सूर्य अपनी दशा में संतान देता है। हाँ जी, लेकिन ये बुध को आपने कैसे इसकी दृष्टि, बुध की दृष्टि नहीं, बुध की दृष्टि नहीं, सर बुध भी प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि जिसके साथ बैठा है वो वैसे ही अष्टमी है। एक तो ये है, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, बुध और चंद्र बेसिकली क्या है, नॉर्मली इनकी दृष्टि को भले ही जैसा मर्जी बोला गया हो, सौम्य दृष्टि बोला गया है इनको, बहुत ज्यादा वो नहीं बोला गया, हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना अपना, तो इनको सौम्य दृष्टि बोला गया है। लेकिन बुध क्या होता है, बुध काल पुरुषी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, तो बुध की दृष्टि संतान भाव पे, ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो एक्सेप्शन है, जो आपको याद रखना है आगे से हर नियम के लिए, कि संतान भाव पे बुध की दृष्टि मेडिकल प्रॉब्लम देती है, क्योंकि संतान बुध जो है वो मेडिकल वाले भाव का स्वामी होता है काल पुरुषी कुंडली के अंदर, तो इसलिए मेडिकल, जब बुध की दृष्टि संतान भाव पे पड़े तो आप समझिए कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जरूर होगी। अच्छा, इसके आगे, हाँ बोलिए सर। एक चीज ये भी है कि जो गुरु है उसकी मूल त्रिकोण राशि तो उसमें आ रही है 6-8-12 में, तो ये कहने का मकसद है कि ये तो पीड़ित ही रहेगा सर, अगर संतान होती है तो, अगर मूल त्रिकोण राशि उसकी शनि, उसमें शनि बैठा है, कहने का मकसद ये है, और वो गुरु जाके पंचम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ये कि ये योग कारक नहीं है, मतलब गुरु, तो जो ये पांचवें भाव में बैठा है तो ये तो संतान को पीड़ा देगा, अगर ये संतान पैदा होती है तो ये पीड़ा देगी पिता और माता को। देखिए, वो आपका मैं पॉइंट समझ रहा हूँ, आपके कहना जा रहे हैं, वो पॉइंट मैं आपका समझ रहा हूँ, आप ये समझ के चलिए अभी, वो तो आगे का पॉइंट है कि संतान कैसी होगी, मतलब संतान समस्या देगी माता पिता को या नहीं देगी, वो डिपेंड करता है, लेकिन संतान ही नहीं होगी, मतलब संतान होने के चांसेस ही रिड्यूस हो जाते हैं ना, क्योंकि प्लैनेट जब योग कारक नहीं होता है तो वो पीड़ा वैसे ही संतान के घर में बैठा है, तो होने में, मतलब कहने का मकसद है कि वो काफी हद तक, मतलब वो संतान को होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो पीड़ा की चीज लेके संतान के घर में, और वो भी वक्रता में बैठा है, और वक्रता वाला जो प्लैनेट होता है सर, वो एक घर पीछे भी जाता है, मतलब चौथे भाव का भी उसके अंदर अंश नहीं, 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 ये चौथे भाव का नहीं, वो असर नहीं हम लोग देखते, ऐसा नहीं देखते हैं, वक्री जिस भाव में है हमारा उसी का हिसाब रहता है, हम पीछे भाव का रिजल्ट नहीं लेते उसके अंदर वक्री का। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुरु वक्री है, यहाँ पे गुरु लगन का मित्र नहीं है, लग्नेश का मित्र नहीं है, तो गुरु यहाँ कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु वक्री है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गुरु किस भाव में बैठे और वहाँ अशुभ परिणाम देने वाला हो, तो वहाँ उस भाव में वक्री हो गए और अशुभ परिणाम देता है, तो गुरु यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, तो संतान होने में इनके प्रॉब्लम हो रही है, दे आर ट्राइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, लेकिन संतान इनके नहीं हो पा रही है, वो दिक्कत इनके आ रही है। शुक्र भी इनका पीड़ित है, तो अब इन्होंने मेडिकली इलाज कराया है,
और मेडिकल इलाज करा के इन्होंने ये बताया है कि हम अब ठीक हैं और मेडिकली हम लोगों को फिट करार दिया है डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा है कि भाई आप जो हैं अब संतान के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि भी थी। तो अब हमें चंद्रमा की दशा चल रही है, तो हमने ये उनसे बोल सकते हैं कि भाई चंद्रमा की दशा चल रही है तो आप संतान के लिए जा सकते हैं, और संतान कब होने के चांस आपके हैं तो इसके लिए ये देखिए कि हमारा पहला नियम जो हम लोगों ने लगाया था कुंडली के अंदर, वो नियम लगा के देखिए कि पंचमेश जिस राशि में है, पंचमेश कौन है हमारी कुंडली में, शुक्र बनता है। शुक्र जिस राशि में है उसके सम सप्तक में गुरु आए या उसके त्रिकोण में गुरु आए, तो देखिए गुरु कब उसके सम सप्तक में आएगा। ये देखिए ये शुक्र हमारा 7 नंबर राशि में है, तो हमने ये नियम हमारा था दूसरा वाला कि पंचमेश जिस राशि में है उसके सम सप्तक में, उसके सामने या उसके त्रिकोण में गुरु आए तो संतान प्राप्ति हो सकती है। तो इस पंचमेश हमारा जो बैठा है शुक्र यहाँ का बनता है वो 7 नंबर राशि में है, तो इसके सामने यानी मेष राशि में अगर गुरु आएगा तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा 23 में ये संतान की प्राप्ति के इनके दिशा है, गुरु में चंद्र की दिशा उनकी चल रही होगी, तो 23 में हम लेकिन शुक्र तो अति शुभ हो गया तो उसके फलों में तो कमी आ जाएगी, मतलब योग कारक हो, शुक्र योग कारक होते हुए भी अति शुभता में चला गया ना सर, तो उसके फलों में तो कमी हो जाएगी। नहीं समझे नहीं आपकी बात, जैसे तो बताइए एग्जांपल देखिए, शुक्र जैसे है कि एक शुक्र एक त्रिकोण का भी मालिक है और केंद्र का भी है सर, तो उसकी शुभता में तो वो ज्यादा शुभता में आ गया तो उसके फलों में तो कमी हो जाएगी ना सर। पूर्ण हाँ पूर्ण योगकारी ग्रह है, बिल्कुल कमी हो जाएगी फलों में उसके, एकदम ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ सूर्य जो है पूर्ण योगकारी ग्रह है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और उसके शुभता में बिल्कुल कमी आएगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन ये भी इसके अंदर है भाव सिद्धि काल के हिसाब से कि आपका जब अच्छा पंचमेश वाला नियम तो लगता ही है, अब एक नियम और भी लगा सकते हैं कि भावेश जिस राशि में हो, भावेश कौन है, शुक्र जिस राशि में हो उसके त्रिकोण में लग्नेश आए, लग्नेश कौन बनता है हमारा, वो बनता है शनि, शनि बनता है, तो इसके त्रिकोण में यानी 3, 7, 11 नंबर राशि में शनि आए तो शनि भी हमारा अगले साल 11 नंबर राशि में आ ही जाएगा, अभी बकरियों के 10 नंबर राशि में है तो 11 में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दोनों नियम इस पर लगते हैं, दशा हमको मिल रही है और मेडिकली दे आर फिट जैसा उन्होंने बताया है, तो बच्चा तो पैदा होगा, ठीक है बच्चा पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम उनके रही है इसलिए इतने टाइम तक बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि वहां गुरु बकरी होकर बैठा हुआ था, सूर्य की दृष्टि थी, सूर्य सेपरेटिव ग्रह होता है, अलगाववादीकारी ग्रह होता है, सूर्य की दृष्टि से थोड़ा होता, लेकिन सूर्य की सूर्य कारक भी है, सूर्य की दशा में बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होता है, इसलिए सूर्य की दशा के अंदर भी बच्चा पैदा हो सकता है, गुरु की दशा में भी बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद दशा जो होनी चाहिए वो 5वें भाव में बैठे ग्रह की या 5वें भाव को देखने वाले ग्रह की या 5वें भाव के स्वामी की दशा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस कुंडली में ये नियम लगाया कि ये दो नियम हमारे यहाँ पे लगते हैं तो संतान होने के यहाँ पे ये चांसेस हैं। दूसरी कुंडली हमारी है ये 15 फरवरी 1975 की, कोटा राजस्थान है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये सब डेट मिल जाएंगी आपको रिकॉर्डिंग के अंदर तो आप ये देख भी लीजिएगा। इनका विवाह 5 जुलाई 2006 को हुआ, 5 जुलाई 2006 में इनका विवाह हुआ, तो ये सामने जो कुंडली लगी हुई है ये 5 जुलाई 2006 की गोचर कुंडली लगी हुई है। ये बिमला जी समझ आया आपको? हाँ जी आ गया सर। हाँ ये मेरे को बुध का थोड़ा सा डाउट हो रहा था लेकिन अब आ गया। एक और बात है कि अगर ये बुध अगर पंचम में ही बैठे तो कोई हानि नहीं करता ना संतान के लिए? नहीं तब नहीं करता, लेकिन बुध की दृष्टि जो होती है ना पंचम भाव पे, नहीं अब मैं वो समझ गई इसी काल पुरुष का ना, वो काल पुरुष छठे भाव में वो एक्सेप्शन है, वो मेडिकल प्रॉब्लम देता है, वो हानि नहीं करता लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम देता है। अच्छा अब ये इसके अंदर अब आते हैं यहाँ पर इस कुंडली के अंदर, 5 जुलाई 2006 को इनका विवाह हुआ, तो 5 जुलाई 2006 में अगर आप देखें तो ये 5 जुलाई 2006 की कुंडली है। यहाँ पर भाव सिद्धि काल का नियम अगर आप लगाएं तो इस कुंडली में कौन सा नियम लगता है हमारा, आप लोग एक मिनट लगा के देखिए नियम कौन सा लगता है। सर भावे जिस राशि में बैठा हुआ गोचर उसी पे गुरु उसी पे आ गया। भावेश हमारा बैठा हुआ है 7वें भाव का स्वामी शुक्र 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 11 नंबर नहीं तो गुरु 7 नंबर, हाँ तो गुरु उसके त्रिकोण में आ गया ना। जी सर भावेश जिस राशि में बैठा हुआ है, भावेश 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है, 7वें भाव का स्वामी 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है
और जब शादी हुई तो गुरु 7 नंबर राशि में था, यानी गुरु इसके त्रिकोण में था। 11 नंबर राशि का त्रिकोण होता है 3, 7, 11, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भाव सिद्धि होती है और हमारा मालूम चलता है कि हाँ विवाह हुआ तो हमारा भाव सिद्धि का नियम हमारा ये इसके अंदर भी लग जाता है। सर इस पे एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ पूछो सर। जैसे हम एक इवेंट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सिर्फ सर अभी एक भाव सिद्धि के नियम से सर, जैसे इस पे सर दो चार चीज और है मैरिज के लिए सर, जैसे विवाह सहम से त्रिकोण पे गुरु का आना। हाँ सर एक विवाह सहम से हो गया और नवमांश में भी विवाह सहम को ले जाके वहां से भी त्रिकोण में गुरु या गुरु का उसका प्रभाव और शनि का और गुरु का सर डबल गोचर। यस वो देखिए वो सर, वो क्या नाम है ना मैं बताऊं, शनि गुरु का डबल गोचर डबल ट्रांजिट जो देखते हैं वो नॉर्मली क्या है बड़ा इसके अंदर बड़ी मतांतर है। मतांतर क्या है इसके अंदर के दरअसल हमारे जो गुरु जी हैं जिनसे हम लोगों ने विद्या प्राप्त की है वो इन चीजों पे डबल ट्रांजिट पे या इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और शास्त्रों में बिलीव करते हैं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ या जो चीज उन्होंने बताई हम लोगों को वो चीज शास्त्रों में अवेलेबल है। मैं आपको श्लोक नंबर दे सकता हूँ, आप उस श्लोक नंबर पे देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट बुक के अंदर। लेकिन डबल ट्रांजिट वाला जो है ये किसी शास्त्र में अवेलेबल नहीं, ये सिर्फ हमारे जो नए टीचर्स हैं और भी कहूं तो भारतीय विद्या भवन की वो बनाई हुई है कि डबल ट्रांजिट है, ये शनि और गुरु जब एक साथ आएंगे देखेंगे उसके बाद फिर वो मंगल को भी ले लेते हैं, फिर मंगल के साथ चंद्रमा को भी वो ले लेते हैं कि चंद्रमा और आएगा तो और कम दिन हो जाएंगे। वो सिस्टम आपका 8-10 कुंडली पे सही बैठ गया होगा, उसके बाद 100% पे सही नहीं बैठता, 80% पे सही नहीं बैठता वो सिस्टम। आप भाव सिद्धि काल के नियम लगाइए, शास्त्रों ने आपको दिया है नियम तो क्यों उस चीज पे जाना हम लोगों को, जो शास्त्रों के नियम है वो नियम लगाइए आप। सारे ये नियम जो मैंने आपको बताए भाव सिद्धि के ये सारे नियम उस पर लगते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कुंडली पे आप लगा के देखिए आपके नियम ये बाय चांस लग जाएंगे, 80% कुंडली से ऊपर ऊपर लग जाएंगे। और अगर कहीं थोड़ा बहुत नियम नहीं लग रहा है तो हल्का फुल्का करेक्शन होगा, जैसे शुक्र हो सकता है कि आपका त्रिकोण मनाया हो दूसरी नंबर राशि में खिसक गया हो तो वो 10-15 दिन पहले इस नंबर राशि में होगा तो ये कह सकते हैं कि भाई बात चलते चलते 10-15 दिन तो हो ही जाते हैं ना, शादी भी एकदम तो नहीं होती, शादी चलने से पहले थोड़े दिन बात होती है तो वो टाइम भी हो जाता है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। सर लेकिन नक्षत्र भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हर एक जो प्लैनेट होता है वो नक्षत्र में चलता है तो नक्षत्र का दशा भी तो सर भाव सिद्धि काल से पहले तो नक्षत्र ही आ जाता है, क्योंकि जब नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो प्लैनेट के जो जो भी घर हैं और उसमें जो और अदर प्लैनेट बैठे वो भी एक्टिवेट कर देते हैं सर शादी को। नहीं नक्षत्र देखिए, नक्षत्र वाला मैं आपको क्यों बताऊं, नक्षत्र आप मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो चीज मैं केवल शास्त्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप जो भी चीज मुझे बताइए कहीं मुझे उसका आइडिया रेफरेंस दीजिए कि वो कहाँ वर्णित है, किस किताब में वर्णित है, कहाँ आज की डेट की बुक छोड़ दीजिए, क्लासिकल बुक्स में देखिए, जो आपकी क्लासिकल बुक्स हैं बृहत पारा शरुआर शास्त्र है, फल दीपिका है, जातक परिजात है, या आपकी तारावली में भी नहीं है सर, तारावली में वो कहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा। नक्षत्रों के बारे में केवल तारा चक्र के अंदर मिलता है या नक्षत्रों के बारे में सप्त शलाका के अंदर मिलता है। जब एक्सीडेंट केस वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब नक्षत्रों का यूज आता है कि नक्षत्रों का वेद कौन कौन से नक्षत्रों का वेद हो रहा था, जन्म नक्षत्र का वेद कौन कर रहा था, आघा नक्षत्र का वेद कौन कर रहा था, करम नक्षत्र का वेद कौन कर रहा था। नक्षत्रों का यूज केवल उस ट्रेजेडी केस में आता है जब व्याधि होती है, उसके अलावा नक्षत्रों का यूज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं पड़ता। सर होररी और प्रश्न में भी आता है ना सर? हाँ वहाँ आता है, प्रश्न में होररी में आता है, लेकिन इसमें वैदिक वाले में इसमें नहीं आता। अच्छा अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको नंबर लिखवाता हूँ, नंबर ले लीजिए 8595647780 8595647780 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग भाव हानि को एक बार और देख लेते हैं, भाव हानि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने भाव की सिद्धि का लगाया था, अब भाव हानि भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाव की हानि कब होगी ये भी विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए भाव संबंधी हानि कब होगी यह विचार करना हो तो देखें, मान लिया आपको देखना है कि भाई सातवें भाव की हानि कब होगी। अब डाइवोर्स के लिए आप देख रहे हैं मान लिया, तो डाइवोर्स के लिए बहुत सी चीजें देखते हैं हम, दशा भी देखते हैं, भाव हानि भी देखते हैं, डिफरेंट ग्रहों से गोचर भी देखते हैं, तब हम जाके कहते हैं कि हाँ इसका डाइवोर्स होने के चांस है या डाइवोर्स हुआ है तो सही हुआ है। जब कभी डाइवोर्स पे वीडियो बनाएंगे तो हम उसके अंदर पूरे जो नियम है डाइवोर्स के वो सब नियम उसके अंदर बताएंगे, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा।
लेकिन इतना लगाइए कि डाइवोर्स पे चेक करने पे एक नियम भाव हानि का भी है, कहीं भी डाइवोर्स हुआ हो किसी कुंडली में तो उसमें एक नियम ये भी लगा के देखिए, इन तीन में से एक नियम लगता है, डाइवोर्स हुआ हो, किसी की मृत्यु हुई हो, कोई बहुत ज्यादा कष्ट में हुआ हो, तो इनमें से ये तीन नियमों में से एक नियम लगता है, ऐसा मेरा विश्वास क्या है, ऐसा हमारे गुरुजी का विश्वास है और हमारे गुरुजी ने हमें बताया और हमने हर कुंडली में देखा है। अभी तक हमें कोई कुंडली नहीं मिली जहां पे हमने ये चीज ना देखी हो। इसमें यह है कि किसी भी भाव संबंधी हानि कब होगी यह विचार करना हो तो देखें कि उस भाव से आठवें और बारहवें भाव में जब भी गोचर में शनि आएगा तो भाव की हानि होगी। उस भाव से आठवें और बारहवें भाव में गोचर में शनि आएगा तो उस भाव की हानि होगी। सातवें भाव की हानि आपने देखनी है तो सातवें भाव से आठवां भाव, सातवें भाव से बारहवें भाव में शनि आएगा तो भाव की हानि होगी, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपने सातवें भाव की हानि देखनी है तो जिस भाव की हानि आपने देखनी हो उसका विचार आपने करना हो तो एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। भाव संबंधी हानि कब होगी यह विचार करना हो तो देखें, हाँ सातवें भाव का आपने देखना है कि सातवें भाव की हानि कब होगी या डाइवोर्स कब होगा तो उसके लिए दूसरा नियम जो हमारा लगता है, पहला नियम मान लिया नहीं लगा आपका तो दूसरा नियम लगा के देखिए वो लग जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, वो कहता है कि जिस भाव की हानि हमने देखनी है उससे देखेंगे आठवें भाव का और बारहवें भाव के स्वामी कहां पर है। अभी तो हमने कहा था उससे आठवें और बारहवें भाव में शनि आए, अब कह रहे हैं कि उससे आठवें और बारहवें भाव के स्वामी कहां पर हैं ये चेक कर लें। तो जब शनि गोचर वास वहां उन राशि में आएगा या उसके त्रिकोण में आएगा तो पक्की भाव की हानि होगी, ये चेक कर लीजिए। तीसरा नियम भी सिंपल नियम है, उसको भी हम लोग बता देते हैं कि भाव संबंधी हानि कब होगी। उस भाव से मान लिया आपने सातवें भाव को ही देखना है कि उसकी हानि कब होगी, डाइवोर्स कब होगा, तो उस भाव से आठवें और बारहवें भाव के स्वामी, इससे पहले नियम में देखे थे किस राशि पे हैं, अब हम देखेंगे उस भाव से आठवें भाव के स्वामी और बारहवें भाव के स्वामी किस नवांश राशि में, डी नाइन चार्ट में चेक करेंगे। और जब डी नाइन चार्ट में उस नवांश राशि के ऊपर शनि गोचर वश जाएगा या उनके त्रिकोण में गोचर में जाएगा तो भाव की हानि संभव है और ये होती है, बिल्कुल इसमें सही बात है। इसमें कुंडली में आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इसके अंदर हम नियम लगाएंगे। यहाँ एक कुंडली है, ये 2 फरवरी 2022 में पिता की मृत्यु हुई है तो इसके बारे में इन्होंने कुंडली दे रखी है, 2 फरवरी 2022 का इन्होंने यहाँ पे गोचर कुंडली भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 फरवरी 2022 की गोचर कुंडली है तो हम ये मान सकते हैं कि नवम भाव का हानि हुई है, ये पिता की मृत्यु है ये तो नवम भाव की हानि हुई है। तो नवम भाव का हम ये देखते हैं कि नवम भाव से जो भाव हानि का प्रिंसिपल हमारा है, इससे पहला प्रिंसिपल सबसे पहले हमारा देखिए भाव हानि कौन सा है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा भाव हानि का है, देखें कि उस भाव से आठवें और बारहवें भाव में गोचर में शनि जाए तो नवे भाव से और आठवें और बारहवें भाव में देखिए तो नवा भाव से आठवां भाव कौन सा हुआ, नवा भाव से आठवां भाव आपका ये हुआ, इसमें शनि जाए तो शनि देखिए गोचर में 10 नंबर राशि में 2 फरवरी 2022 तो भाव की हानि होगी। देखिए ये चीज क्या है ना, भाव हानि वगैरह ये चीज ऐसा है कि शनि तो गोचर में जाएगा ही, आप ये मत सोचिए कि हर 2.5 साल में या कहीं भी गोचर में जब शनि ने जाना है तो हाँ कष्ट जरूर मिलेगा, लेकिन जो भाव की हानि जो हम मेन बोलते हैं जिसमें कहते हैं कि मृत्यु तक की संभावना होती है, उसके लिए ये भी देख लेना चाहिए क्या मारक खंड तो नहीं लगा हुआ है या दशा किसी मारक ग्रह की तो नहीं चल रही है, और उसमें ये भाव हानि हो रही हो तो आप सर्टेनली कह सकते हैं कि ये मृत्यु का समय हो सकता है। और बाकी केसेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब ये आएगा तो भले ही मृत्यु की बात ना हो लेकिन हाँ कष्ट जरूर होता है जब इस तरह की सिद्धियां या जिस तरह की चीजें हमारी नियम हमारे लगते हैं भाव हानि के और भाव सिद्धि के। तो ये हमारे नियम थे, इसमें किसी को कुछ पूछना हो। अच्छा इस कुंडली में एक चीज और भी है, इस कुंडली में विवाह की थोड़ी समस्या है, जरा आप बताई दीजिए विवाह की समस्या क्यों आ रही है उसको। सर क्योंकि राहु एक तो मंगल इसका लॉर्ड ऑफ ऑनर है और उसमें राहु मंगल राहु तो दुश्मनी में है, प्लस चंद्रमा हाँ। जो है वो भी एक पीड़ित अवस्था में, और कहने का मकसद है कि जो शनि सातवां भाव राहु केतु एक्सिस में भी है, ठीक है
हाँ सर, और दूसरा ये है कि जो चंद्रमा है वो मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसवें भाव में, मतलब कहने का मकसद वो शनि के उसमें, सैटर्न के उसमें, तो वहां भी वो पीड़ित हो गया, कहने का मकसद ये। तो एक तो ये है कि, और गुरु अगर आप देखें तो शनि के घर में नीच का हो गया, कहने का मकसद ये है, मतलब चौथे। तो ये है कि ये सारी चीजें एक वर्क ये करती है कि अगर इसकी शादी भी होती भी है तो इंटरकास्ट और लव मैरिज होगी, प्लस ये काफी मतलब एक ऑलरेडी मल्टीपल अफेयर में ये बंदा रहेगा भी। और चंद्रमा पैसे वाला घर और सुंदर पति देता जरूर है अगर लड़की की कुंडली है तो, लेकिन क्या है कि सास का सुख नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि कहने का मकसद है कि सिक्स हाउस जो एक तरीके से कैरियर में मैंने अक्सर देखा है कि गृहस्थी में जब शादी के बाद ये तनाव होता है कि नौकरी नहीं करनी, घर पे बैठना है, ये सिक्स हाउस में मंगल या केतु ऐसे प्लैनेट क्या करते हैं, अक्सर खूब लड़ाई करवाते हैं, इनकी मैरिजों में वो काट देते करनी। तो ये चीजें मैंने देखी है। तो इसमें ये है कि गुरु के घर में मंगल बैठा है जो कि, और शुक्र है, तो आप ये देखिए कि शुक्र बेडरूम के सुख का कारक होता है, तो ये लड़की जिससे भी शादी करेगी उसके रोज रात को इसकी लड़ाई होगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लड़े भी करे सोएंगे नहीं, कहने का मकसद ये है। तो ये और कोई बोलना चाहता है सर? वैसे जैसे काफी सही बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि राहु केतु सप्तम भाव, राहु केतु एक्सिस में है, चंद्रमा पीड़ित है, और दूसरी बात यह कि पांचवे सातवां भाव जो है उसका, देखिए एक कुंडली में आपको मैं बहुत अच्छा नियम बताता हूँ, कभी भी किसी कुंडली के अंदर आप दो ये चीज जरूर देखिए कि चंद्रमा और शुक्र किसी पुरुष की कुंडली में पीड़ित हो, चंद्रमा और शुक्र किसी पुरुष की कुंडली पीड़ित हो तो उस पुरुष के जीवन में स्त्री सुख कम होता है। इसी प्रकार से किसी स्त्री कुंडली में गुरु सूर्य और मंगल पीड़ित हो तो उसके जीवन में पुरुष सुख नहीं होता, कम होता है। तो यहाँ शुक्र भी पीड़ित है क्योंकि उस भाव में बैठा हुआ है, आल्दो कहने को तो उच्च राशि में है लेकिन हमारे गुरु जी उच्च नीच राशि का बिल्कुल मानते नहीं है, बट छठे भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। और इसमें ये लड़की को लस्ट की भी आदत होगी, मतलब पागलपन जो बोलते हैं ना, प्यार का जो बोलते हैं, मतलब लस्ट, आप लस्ट समझ सकते हैं कि एक दीवानगी होती है ना कि मेरी शादी किसी से नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी, मतलब इस तरह का जो बोलते हैं ना कि लस्ट पार्ट भी है इसमें। और कहने का मकसद है कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो भी इस लड़की को कभी मिलेगा नहीं, मतलब कहने का मकसद है कि विचारधारा ही फैमिली की पूरी अलग हो जाती है। चलिए, सो नाइस, बहुत बढ़िया आप लोगों ने डिस्कस किया और हमारा यहीं पे तक था। बाकी हमारा ये कहना है कि हम लोग अभी एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एडवांस कोर्स, पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस पढ़ाएंगे उसके अंदर। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, अष्टक वर्ग का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों तो जो नंबर आपको दिया है उस पे बात कर सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग है, हाँ बोलिए। ये रिकॉर्डिंग के कुछ कोई सर चार्ज देना है हमें आपकी ये रिकॉर्डिंग लेने के लिए? नहीं, कोई चार्ज नहीं देना आपने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो मेरे पास आपका लिंक आया हुआ है, वो जो मैडम है ना, क्या नाम है उनका, जो उन्होंने मुझे बोला था, तब उन्होंने बोला कुछ आपके यहाँ रेनोवेशन हो रहा था इसलिए वो शायद बैच स्टार्ट नहीं हो पाई थी आपकी। तो ये वो मैडम से ही मांग लें तो चलेगा ना, मतलब अगर मैडम से बात कर लीजिए, क्योंकि सर आपने ये बहुत अच्छा सिखाया, ये कहीं भी बुक्स में नहीं है। भाव सिद्धि काल मेरे हिसाब से सिर्फ आप ही एक पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छे वे में किया, इसके अलावा यूट्यूब पे भाव सिद्धि काल कहीं भी नहीं है मैंने देखा, नहीं मिलेगा सर। और आपकी नॉलेज अप्रिशिएट है, मतलब मुझे पता है आप गोयल सर के बैच में ही से ही आए हैं, तो और वो चीज है कि उस चीज का बहुत आदरणीय आपको प्रणाम सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और नंबर आपको दे दिया गया है 8595564780, उस नंबर पे कोई भी काम आज रिकॉर्डिंग मिलेगी या सर कल मिलेगी? आज रिकॉर्डिंग, कल रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी, कल पक्का, कल 11:30 तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऐसे वेबिनार आप लीजिए, मेरा एक आपसे अनुरोध है कि ऐसे वेबिनार बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स को जो छुपे हुए होते हैं उनको भी आपके इस प्रिंसिपलों के साथ, क्योंकि आज अपने से अष्टम हर घर पीड़ा देता है और बारहवां घर जो कि आपने बताया, तो ये चीज। लेकिन एक चीज सर, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जो एक प्रिंसिपल बताया कि अपने से अष्टम में बारहवें, इसमें मैंने ये भी देखा है कि अगर राहु केतु भी उन्हें एक्सेस में आ जाते हैं तो मैरिज और क्या कहते हैं जो डिलीवरी पार्ट उसमें भी बहुत पीड़ा आती है, मतलब जो अपने से अष्टम, अपने से अष्टम में अगर राहु केतु मंगल की भी गोचर के अंदर वो अपने ही भाव पे जाए या अपने से पंचम सप्तम नवम में जाए
तो भी पीड़ा देता ही है सर, ये भी मैंने देखा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था क्या ये भी लगता है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। नहीं है, वो सब चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ वेबिनार्स ऐसे लेता रहूंगा। अभी मैं नेक्स्ट वेबिनार एक्सीडेंट के ऊपर एक लूंगा, फिर डाइवोर्स के ऊपर लूंगा, सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर की आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के गोचर से समझे चीजों को। सिंपल ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कहा कि डाइवोर्स होगा और बोल दिया, मतलब उसके लिए डाइवोर्स के लिए कई सारे नियम आपको लगाने पड़ेंगे, तब आप देखेंगे। बहुत है सर, बहुत है उसमें तो वो सब चीजें, मतलब आदमी को, किसी आदमी और स्त्री को आप अलग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत नियम लगते हैं, तो वो सब चीज पढ़ाएंगे। डाइवोर्स के लिए तो नवांशी पूरा भरा पड़ा है ट्रक, मतलब ट्रक के रूप में, तो वो सब चीज आपको बताएंगे, तो उससे सब चीज क्लियर हो जाएंगी। और बाकी तो सब ठीक है विमला जी, ये सब बाकी सब समझ आया, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो, ये मेरा थोड़ा सा था वीक। अच्छा। मेरे को भाव सिद्धि में, वैसे मैंने आपके अभी सर आपने ये जो प्रिंसिपल कवर किए बहुत अच्छा सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज असली है, जो एस्ट्रोलॉजी में किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ये प्रिंसिपल जब तक समझ नहीं आते, वो प्रिंसिपल नहीं समझ में आना मतलब आपका ज्ञान अधूरा ही है सर, ऐसा ही हो जाता है। आपने जो दिया है सर उसके लिए, मैंने आपके पूरे वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपने बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये चीजें सर यूट्यूब के ज्ञान वाले ही लोगों को आती है, वो फालतू में टीके वीके लगवाने वाले लोगों के लेवल पे है वो तो बेकार। चलिए चलिए, सो नाइस ऑफ यू। और सर ये इसमें भाव सिद्धि काल में तो कार्येश और लग्नेश, इन दोनों का जो आपने बताया, और दूसरा गुरु सर, मेरे तो 80 या 90 पत्रिका में मैं इसी से ही वो बता देती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दो से ही मैं ज्यादातर बता ही देती हूँ, दो से। हाँ हाँ, सारा मालूम चल जाता है। और ये मैं थोड़ा लेट आया था, आपने इसमें भाव सिद्धि काल के सारे प्रिंसिपल लिए, मतलब ये वीडियो मैंने सारे लिए हैं, इसमें कोई प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो मैंने छुपाया है। मैं कोई हमारे गुरु जी ने ये बोला हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी को जितना प्रचार कर सकते हो करो, जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि एस्ट्रोलॉजी जानी चाहिए लोगों तक, अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानी चाहिए, क्योंकि सर एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने गंदा कर दिया, उसकी वजह से अच्छे लोग भी गिर गए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर आज विदा लेते हैं, फिर बात होगी। प्रणाम सर, नमस्कार आप लोगों को। थैंक यू सर। नमस्कार विमला, नमस्कार, नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू सर।